हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई इंदे रैप पर। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हाउ टू रैप के अंदर ड्रिल रैप बीट के ऊपर कैसे रैप परफॉर्म करते हैं और कैसे हम लिखते हैं। घर बैठा उसे छोड़ दिया, कब तक मैं सहता, चला मरने जब मेरा मन बहका, अगर मर जाता घर पर कौन कहता कभी। देखिए, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी हाउ टू रैप की, जिसके अंदर मैंने रैप परफॉर्म करके दिखाया था, उसके अंदर तो नॉर्मल प्रैक्टिस रैप था, पर वही लिरिक्स को मैं आज हिप हॉप बीट के अंदर यानी ड्रिल बीट के अंदर भी वही चीज़ परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। यानी कि लिरिक्स में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ हमारी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस के ऊपर है। अभी बिल्कुल मैं रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे एक रैंडम बंदा प्रैक्टिस करता है, रैंडम एक आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, मैं भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करने वाला हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मेरे पास एक ड्रिल बीट है, जो ड्रिल बीट के अंदर मैं एक प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो ड्रिल बीट आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, फ्री कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इस तरह लिख के ड्रिल बीट आप ले सकते हो। तो यहाँ पर है मेरे पास एक ये, जिसके अंदर सिर्फ मैं ड्रम्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर ड्रम्स है, ठीक है। तो जब अगर प्ले करता हूँ मैं इसको, तो मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, तो मैं एक बार लाइन भी आपको सुना देता हूँ कि मैं क्या चीज़ आपके सामने परफॉर्म करने वाला हूँ। देखो, जॉब से कुछ ना होगा तू कर उद्योग, यानी कि जॉब से कुछ ना होगा तू कर ले उद्योग। ये लाइन मैं पहले भी गा चुका था पिछले रैप के अंदर, बस फर्क यह है कि मैंने लाइन को ऊपर नीचे कर दिया है। मकड़ी के जाल में उलझे ये लोग, बस्ती की हवा शोर करे डॉग, कोई किसी के लिए ना करे सहयोग। अब मैं ये जो गाने का टेक्निक मैं इस तरह बोल रहा हूँ, डॉग सहयोग उद्योग लोग, तो ये जो राइम्स है वो आपको पता ही है कि मुझे फाइंड करके रखनी है राइम्स। तो नॉर्मली जो एक ड्रम बीट पकड़ते हैं उस ढंग से भी हम गा सकते हैं, पर आपको इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन रखना है। वो चीज़ आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसमें फ्लो का थोड़ा बदलाव करते हैं। लिखते तो वैसे ही है, पर गाने का तरीका इसमें बदल जाता है। तो चलिए करके देखते हैं। स्टार्टिंग अलग है, स्टार्टिंग छोड़ देनी है। जो से कुछ ना होगा तू कर ले उद्योग, मकड़ी के जाल में उलझे पड़े लोग, बस्ती की हवा शोर करे डॉग, कोई किसी के लिए न करे सहयोग। तो ये जो मैंने गा के सुनाया है, ये आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, इसके अंदर जो हमारा ड्रम है ना, हम जो पहले रैप परफॉर्म करते थे उसके अंदर क्लैप्स के ऊपर अपना रैप को ख़त्म करते थे, पर इसके अंदर हम क्लैप के ऊपर ख़त्म नहीं कर रहे, हम इसमें किक के ऊपर ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ से हमारी बीट शुरू हो रही है। अगर आप ध्यान से सुनोगे बीट को भी, सुनिए। बूम करके जो बेस के साथ किक मिक्स हुई है, देखिए दोबारा करके दिखा देता हूँ। जॉब से कुछ ना होगा तू कर ले उद्योग, यहाँ पर जो आया ना उद्योग, उलझे पड़े लोग, मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अगर बीट का ज्ञान है तो इसमें बीट के ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वो क्यों? अब जैसे मैं जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर बीट के ऊपर आने में ना मेरे को क्या हो रहा है, पहले मैं एक सांस ले लेता हूँ, जैसे एक बीट छूटती है जब मैं किक को छोड़ता हूँ यहाँ पे, उलझे पड़े लोग, यानी कि ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही होगा कि आपको बीट खत्म हो गई है वहां पर, फिर भी आपको पता है। ये सिर्फ इसीलिए है कि देखो बीट की जो रिदम चल रही है ना, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रही है। अगर बीट वहाँ पर कट भी रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रुक जाना है, वो आपको बोलना ही है ताकि वो पंच लाइन क्रिएट हो, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा और वेरिएशंस लाएंगे तो हम इसमें थोड़ा बदलेंगे कैसे। अब मैं दोबारा से इसे प्ले करता हूँ। देखिए, कोई बीट पकड़नी है पहले, अगर आपके गाने के अंदर कोई रैप बीट छूट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी उसे पकड़ोगे। चार लाइन अगर छूट जाती है तो छूटने दो, दोबारा से वो आएगी, फिर आपको गाना है। ये थोड़ा कॉपीराइट का भी इशू है, इसलिए मैं बार बार इसको रोक रहा हूँ, अगर नहीं रोकूंगा तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरा ड्रम ले लेता हूँ, नहीं तो
मेरे पास दूसरा म्यूजिक पड़ा है, मतलब इसी टाइप का है, उसके अंदर थोड़ा सा कोर्ड्स वगैरह हटे हुए हैं इसमें। ये सिर्फ ड्रम्स है, ठीक है। जॉब से कुछ ना होगा तू कर ले उद्योग, यानी कि ये भी वही है, ठीक से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बीट को पकड़ते हैं, स्टाइल बदलेंगे। मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरे कैप एकदम बेस्ट, दुश्मन मेरे पीछे पीछे लटके मेरे रेस्ट। मतलब इसके अंदर स्टाइल थोड़ा बदला है, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरे कैप एकदम बेस्ट, बेस्ट के ऊपर हमारी बेस आ रही है। उसके बाद दुश्मन मेरे पीछे लटके नीचे मैं करूँ रेस्ट, समझ रहे हो। ये टेक्निक थोड़ा सा जोन बनाना पड़ेगा एक टेस्ट बनाने के लिए, तो अभी तो लोगों को मजा आएगा ना कि भाई ये क्या चीज बोल रहा है, इंटरेस्टिंग करने के लिए। देखिए बीट भैया स्टाइल अलग है, मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरे कैप एकदम बेस्ट, दुश्मन मेरे पीछे लटके नीचे मैं करूं रेस्ट। अब देखो इसके अंदर दोबारा परफॉर्म दिखाता हूं, प्रैक्टिस का खेल है, अभी नई बीट है, नया नया लिखा है। मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरी कैप एकदम बेस्ट, दुश्मन मेरे पीछे लटके नीचे मैं करूं रेस्ट। मतलब ये मैं मुंह से करके दिखा रहा हूँ रह रहे, वो क्यों, क्योंकि जो पॉपुलर गाने हो रखे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, वोकल की चॉपिंग की गई है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट आगे का काट काट के बीट के ऊपर लगाया है और फिर वहाँ पे अ अ अ इस तरह से साउंड्स क्रिएट की गई है, तो वो एक एडिटिंग का पार्ट है। पर एक्चुअली में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा माइंड में होना चाहिए कि मुझे कितना स्पेस देना है, और नॉर्मल अगर बीट पकड़ के करोगे ना तो बिल्कुल स्टाइल अलग हो जाएगा, उसमें इस तरह किक नहीं पकड़नी, उसमें तो जस्ट आप नॉर्मल ऐसे बीट स्टार्ट होगी, देखो उसमें ऐसे कैसे गाते हैं। के जाल में उलझे लोग, बस्ती की हवा शोर करे डोग, किसी के लिए न करे सहयोग, जॉब से कुछ ना होगा तू कर उद्योग, कर उद्योग, यानी स्टाइल बदल देना है। देखो दोबारा, के जाल में उलझे ये लोग, बस्ती की हवा शोर करे डोग, कोई किसी के लिए न करे सहयोग, जॉब से कुछ ना होगा तू कर ले उद्योग, यानी कि ये सब टेक्निक है। देखो मेरा बस थोड़ा सा कहने का तरीका यही है, ये प्रैक्टिस जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको बार बार करनी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये रैंडम वीडियो है, जस्ट माइंड में आया, मैंने साथ के साथ बनाया, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का तरीका यही है कि मैं पहले से कुछ खास प्रिपेयर नहीं करता हूँ, साथ के साथ वीडियो बनाता हूँ, साथ के साथ बिना कट करे डाल देता हूँ आपके सामने, यह लगातार कर रहा हूँ, वरना तो कट लगते हैं बहुत अगर वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर कुछ रैंडम मेरे वो भी गाने जो बने हुए हैं जो आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी गाने बन चुके हैं, पर ये ड्रिल के ऊपर नहीं गए हुए हैं, पर ये लाइन मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इसको ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बीट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है पर लिखने का तरीका तो वही का वही रहता है, बस इसमें फ़र्क क्या लाइनें थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे कि मैं बाद में बता रहा था, मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरी कैप एकदम बेस्ट, ये लाइन थोड़ी बड़ी है पर बीट तो उतनी चल रही है ना, पर फिर भी उसके अंदर मैं गा पा रहा हूँ। और जब मैं दूसरी लाइन गाता हूँ, मकड़ी के जाल में उलझे ये लोग, ये लाइन छोटी है, तब भी मैं उसी बीट के ऊपर गा रहा हूँ। तो यही चीज को समझने का है खेल, कि भाई तुमने गाना कैसे है, ड्रिल बीट आ रही है तो ड्रिल का एक जो लहजा है ना, उसका जो टेस्ट है, तो उस टेस्ट के अंदर घुसना है। अब मैं आपको बोल दूँ कि भाई आपको कवाली गानी है, कोई कविता सुनानी है, कोई रैप करना है, तो आप क्या करोगे, जब मैं बोलूँगा रैप करो तो आप रैप का जोन पकड़ लोगे, ये हाँ करने लगोगे। अब कवाली के बोलूँगा तो चीज़ वही है, लिखा हुआ वही है, बस टेस्ट आपका बदल जाएगा। किसी को मैं कहूँगा कि अरिजीत सिंह सर आप सिंगिंग कर दो, रैप की ही लाइन दूंगा पर वो सिंगिंग कर देंगे उसके ऊपर। और उसी तरह से म्यूज़िक में भी यही फॉर्मूला यूज़ होता है, तो बस आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी, अगर नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, थोड़ी और डिटेल में वीडियोज़ मैं बना दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे, जय हिंद। मैं छोटा के थका हर घर बैठा, उसे छोड़ दिया कब तक मैं सहता, चला मरने जब मेरा मन बहका, अगर मर जाता घर पर कौन कहता, कभी मुझे आज